शहर के झुनझुना चौक शिवाजी नगर परिसर के नागरिक एक और प्रभाग में चल रही असुविधाओं से वंचित हैं, तो वहीं लॉकडाउन के चलते इन परिवारों पर संकट मंडराया है, लेकिन अब तक कोई उनकी सहायता के लिए नहीं पहुंचा। शहर के झुनझुना चौक शिवाजी नगर में रहने वाले नागरिक समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक कई सुविधाओं से वंचित है। उनका कहना है कि यहाँ की असुविधाओं के बारे में कई बार नगर सेवक को अवगत कराया गया, लेकिन नगर सेवक ने उनकी समस्या की ओर अनदेखी की। इतना ही नहीं तो लॉकडाउन के चलते यहाँ रहने वाले नागरिक सहायता से वंचित है। कई समाज सेवी और नागरिकों की ओर से जरूरतमंदों को सहायता की जा रही है, लेकिन झुनझुना चौक शिवाजी नगर में रहने वाले नागरिक सहायता से महरूम है। झुनझुना चौक शिवाजी नगर में रहने वाले रोजंदारी का काम करने वाले यह परिवार इस मुश्किल समय में जैसे तैसे वक्त काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। हमारी इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई आकर देख नहीं रहा, कुछ नहीं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे जिंदगी जी रहे, हम बच्चों को कैसे पाले। मेरे आदमी हाथ ठेला चलाते हैं, मगर उनका भी ठेला बंद है। वो कहा क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा। हमारे घर में एक आदमी कमाने वाला है, पांच जान खाने वाली है, वैसी सभी की प्रॉब्लम है। अभी पहले की तो छोड़ो, मगर अभी की प्रॉब्लम हमारी इतनी है कि ना खाने का इंतजाम, ना कुछ। रोड नहीं, नाली नहीं, ना लाइट की सुविधा, ना पानी की सुविधा, हमको इतनी दिक्कतें चल रही है। आकर देख नहीं रहे, और जाओ उनके पास तो बोलते कि नहीं, क्या बोलते, तो हमको इतनी जाके बोलते तो बस आके खड़ी होते, हाँ ठीक है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये व्हाट्सअप आ रहा, वो व्हाट्सअप आ रहा, बस इतनी बात करती है। मगर आके कभी इस मोहल्ले में क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कभी आके नहीं देखेंगे, कभी पूछ रहे नहीं वो आकर। मेरी नगर सेवक से इतनी प्रार्थना है कि प्लीज हमारे लिए कुछ तो मदद कीजिए, हम सभी लोग इतने परेशान है, जो बुजुर्ग है वो भी इतने परेशान है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी कुछ ना कुछ मदद कीजिए। हमारे वार्ड में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, अभी तक हम भूखे प्यासे मर रहे, तो भी कहीं आके देख रहा नहीं, गली नहीं, कूचे नहीं, कुछ नहीं देख रहे। अब हम ऐसे जगहों के ऊपर बैठे पड़े हूँ, अब क्या करेंगे बताओ। अब खाने पानी से भी मर रहे, और गली कूचे में कोई आ रहा नहीं, कोई देख रहा नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, जगह पे हम बैठे पड़े हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई घर में खाने वाले, कमाने वाले सब घर में बैठ के है, कोई कमाने के लिए जाने मत जाओ कर रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी। और हमारे तरफ कोई आता नहीं, देखता नहीं, वार्ड मेंबर नहीं आती, कोई नगर सेवक नहीं आता, कोई नहीं आता हमारे तरफ। अभी हम लोग भूखे प्यासे हैं, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, हमारे तरफ कोई मदद के लिए भी नहीं आते। टीवी में बताता कि ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग अनाज ला के देंगे, हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए ये करेंगे, छोटा बच्चा है, सब भूखे प्यासे है, कोई मदद नहीं कर, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है हमारे तरफ। अब हम लोग बताओ क्या